हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे बॉडी का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। इसका लेंथ लगभग 6 से 7 मीटर होता है। हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और यह 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ड्यूडनम, जेजिनम और इलियम। ड्यूडनम को अगर आप देखें तो ड्यूडनम जो है शुरुआती दौर में है, हम लोग देखें उल्टा यू कहिए या फिर सी के आकार का है ना स्ट्रक्चर है, जो कि स्टोमक में से बाहर निकलता है। लेंथ लगभग 26 से 27 सेंटीमीटर होता है और इसी जगह पर हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट भी ओपन होता है। पैंक्रियाटिक डक्ट जिसमें ओपन होता है एक खास तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, क्योंकि लीवर का सिक्रेशन भी इसी जगह पर और पैंक्रियाज का भी सिक्रेशन इसी जगह पर। तो ये हो गया आपका पैंक्रियाटिक डक्ट और ये हो गया हेपेटिक डक्ट, दोनों एक जगह पर मिल रहे हैं, इस वजह से इसको हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। यह कॉमन ओपनिंग है। ये क्या है? कॉमन ओपनिंग है इसके लिए, तो बाइल जूस के लिए भी और पैंक्रियाटिक जूस के लिए भी। ठीक है, आगे का हिस्सा जेजिनम है, मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेंथ लगभग इसका 2 मीटर के आसपास होता है, लगभग 2 मीटर के आसपास, वहां मैंने गलती से बोल दिया था 1 मीटर, ध्यान देंगे। इलियम, इलियम जो है वह लगभग 3.5 मीटर लंबाई को रखता है और यह जो है फूड डाइजेशन में हेल्प करने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, क्योंकि इसके पास विली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इस पर इलियम का अगर देखा जाए, इलियम के ऊपर विलाई प्रेजेंट होता है, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में विशेष। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा, यह लगभग कितना 1.5 मीटर के आसपास होता है। ये बटा हुआ होता है सीकम में, कोलन में, रेक्टम में, एनस में और भर्मी फॉर अपेंडिक्स, इसका वेसिजल पार्ट हो गया। एक एक देखिए, सीकम जो है यह स्मॉलेस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सम सिम्बोलिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसमें मर्जित रहते हैं जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसका लेंथ लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कोलन को देखें, कोलन जो है लार्जेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल, लार्जेस्ट लार्जेस्ट इंटेस्टाइन का। इसमें 3 पार्ट है, सेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। यह एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर का और सर्टेन तरह के मेडिसिन का, यहीं पर फीकल मैटर प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, भर्मीफॉर अपेंडिक्स के बारे में देख ही लिए कि ये हमारा वेस्टिजल ऑर्गन है, लेकिन हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म के अंदर यह फंक्शनल होता है, वहां पर यह सेलुलोज का डाइजेशन करता है। लेंथ इसका लगभग 3 से 8 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अगर इसके अंदर फूड पहुंच जाता है तो वो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो स्पॉइल कर जाता है, साथ में यहाँ पर जो होता है पस वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, पेन होता है और इस जगह के इन्फेक्शन को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। आइटिस जिस वर्ड के लास्ट में लगा रहेगा वो इन्फेक्शन को सूचित करता है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ इसलिए अपेंडिसाइटिस इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए ऑपरेशन के द्वारा इसको रिमूव कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं कि हमारे बॉडी के अंदर ये है स्टेजल ऑर्गन के रूप में है। रेक्टम जो है इसका 12 सेंटीमीटर लेंथ है, यस शेप के आकार का होता है स्ट्रक्चर और यह ओपन होता है एनस में, यह स्टोर हाउस होता है फीकल मैटर के लिए, एनस ओपनिंग है फीकल मैटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के लेयर के बारे में, हाँ कितने सारे उसके वाल में लेयर हैं, उसके लेयर की स्टडी करेंगे। धन्यवाद।